वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेशनल स्किल्स। आज मैं आपको करवाऊंगी बीएड सेकंड ईयर का पेपर नंबर फोर्थ बी अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। ठीक है, पेपर नंबर ये फोर्थ बी का है, 40 मार्क्स का ये आपका पेपर होगा। पैटर्न आपको पता ही है, इसमें दो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और जो है हर एक यूनिट में से दो क्वेश्चन आएंगे और एक अटेम्प्ट करना है, टोटल मार्क्स 40। ओके, तो क्योंकि हर बच्चों का कमेंट था कि मैम जो आप दूसरे टॉपिक्स हैं वो भी हमें कवर करवा दीजिए दूसरे सब्जेक्ट्स के, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं आपको उतनी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग का मतलब आपको पता ही है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, समझ। ठीक है, डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि विषय, अध्ययन क्षेत्रों और विषयों की समझ। एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जो हमारा डिसिप्लिन वर्ड है इसे ऐसे मत समझना कि वो वाला डिसिप्लिन की अनुशासन में रहना चाहिए या ऐसे अनुशासन में रहकर हमें कार्य करना चाहिए, नॉट ए वर्ड। यहाँ पर वो वाला अनुशासन नहीं यूज होगा। ठीक है, यही मैं आज आपको बताऊंगी, समझाऊंगी कि इस डिसिप्लिन का मतलब क्या है। पूरी ही जो आपका जो सब्जेक्ट है पूरा ही बेस है किस पर, डिसिप्लिन पर। ओके, तो ध्यान से समझना। जैसे एक स्टूडेंट्स आप टेंथ करते हो, ठीक है, टेंथ तक करते हो, तो टेंथ तक क्या है आपके रेगुलर ही सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। ठीक है, और जैसे मान लो हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, मान लो सोशल साइंस, तो सोशल साइंस में क्या इंक्लूड होता है, उसमें आपकी सिविक्स भी इंक्लूड होती है, ज्योग्राफी इंक्लूड होती है, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड होती है। ठीक है, तो तीन चार विषय मिलकर ही जो क्या है हमारा सोशल साइंस पूरा सब्जेक्ट बनता है। तो टेंथ तक जो हम कहेंगे उनको सब्जेक्ट्स ही कहेंगे, लेकिन जैसे ही बच्चा प्लस वन क्लास में आता है या प्लस टू में या यूजी पीजी कोर्सेज में आता है, पीजी है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बीए एमए वगैरह जो भी करते हैं, तो उसमें क्या है हमें टेंथ के बाद ही सब्जेक्ट चूज करने पड़ते हैं। चूज मीन्स कि अगर हमें मेडिकल लेना है तो मेडिकल फील्ड में जाना पड़ता है, नॉन मेडिकल वाले नॉन मेडिकल फील्ड में जाते हैं बच्चे, कॉमर्स के, आर्ट्स के, तो उसमें क्या है, जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इको होती है, हमारे लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होती हैं, हिस्ट्री होती है, हिंदी होती है, पंजाबी होती है, लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो उनका पार्ट क्या बन जाता है, वो आर्ट्स बन जाता है। अब जो सब्जेक्ट हमने टेंथ तक लिए थे वही कन्वर्ट होकर डिसिप्लिन, उसे ही हम डिसिप्लिन कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट्स पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते थे पहले टेंथ तक, जैसे मैथ्स हो गया, ठीक है, इंग्लिश हो गया, हमारी साइंस होगी, सोशल साइंस होगी, वो आगे जाकर क्या है फील्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स कि फील्ड मतलब कि आर्ट्स में, कॉमर्स में, ठीक है, ये वाले ग्रुप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये वाले जो सब्जेक्ट होंगे उनको हम कहेंगे डिसिप्लिन। ओके, उसके बाद हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का, फर्स्ट टॉपिक है मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब आपने समझ लिया कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम डिसिप्लिन कहते हैं टेंथ के बाद वाले, जैसे आर्ट्स में हो गए, ठीक है, साइंस के हो गए, मेडिकल के, नॉन मेडिकल, ओबो वाले। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ही डिफरेंस है डिसिप्लिन और एकेडमिक डिसिप्लिन में। एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब होता है कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि किसी भी एनी स्ट्रीम में हम स्पेशलाइज्ड एक चीज को चुनते हैं। जैसे आप रिसर्च करते हो, इसका जो क्षेत्र है एकेडमिक डिसिप्लिन का बहुत ही ब्रॉड है, इसमें सारी चीजें इंक्लूड हो जाती हैं। सिर्फ हम एक ही पार्टिकुलर चीज को एकेडमिक डिसिप्लिन नहीं कह सकते। मान लो आप एजुकेशन की पीएचडी कर रहे हो, तो एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है, मींस कि एक फील्ड है, फील्ड क्या है, एजुकेशन। अब एजुकेशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो उसकी, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाओगे, उसकी थीसिस है, उसका डीपली अध्ययन करोगे, तो ये यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, हायर लेवल पर होता है। कई बार हम एकेडमिक डिसिप्लिन को ये भी कह देते हैं कि हमारे व्यवहार का अध्ययन या खुद का अध्ययन, मेडिकल लाइन में मेडिकल चीजों का अध्ययन, मेडिकल में जैसे सर्जरी वगैरह होती है, ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, उन वर्ड्स को, तो वो क्या है, एकेडमिक डिसिप्लिन है। देख लेते हैं हम थोड़ा सा एकेडमिक डिसिप्लिन अंग्रेजी में। डिसिप्लिन जो लैटिन शब्द, लैटिन शब्द ये किससे बना है, डिस्किप्लस से, जिसका मीनिंग क्या होता है,
विषय या विद्यार्थी मींस कि हम सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, डिसिप्लिन भी ले सकते हैं इसमें, और लर्नर विद्यार्थी भी ले सकते हैं। और डिसिप्लिना से बना है, और डिसिप्लिना का मतलब क्या होता है, शिक्षण, टीचिंग या उसका अध्यापन, ठीक है। तो एकेडमिक डिसिप्लिन को हिंदी में हम कहते हैं अध्ययन अक्षेत्र। एक ही समय में इसके हम बहुत से अर्थ ले सकते हैं, ठीक है। मान लो हम किसी वर्ड का स्पेशलाइजेशन, किसी विशेष अर्थ ले सकते हैं, लेकिन उस अर्थ के अलग अलग फील्ड में अलग अलग मीनिंग होगा, यानी कि अलग अलग मीनिंग होगा अलग अलग फील्ड में। व्यवहार पर अपना नियंत्रण जो भी करते हैं हम, उसे भी हम एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। टीचिंग लाइन में भी एकेडमिक डिसिप्लिन का अर्थ क्या है, बहुत ही ब्रॉड है। यानी टीचिंग लाइन में क्या है, टीचर को करिकुलम देखना पड़ता है, उनका कौन कौन सी यूनिट में कितने कितना हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है, कौन सी मेथड से करवाना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कई कौन सी न्यू चीजें ऐड करनी है, कौन सी जो है चीजों को शॉर्ट लिस्ट करना है, वो सारी की चीजें। अब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ एकेडमिक डिसिप्लिन का मतलब क्या है। मान लो सोशल साइंस है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये तो सब्जेक्ट में आ गया, लेकिन सोशल साइंस के जो आगे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्विक्स वगैरह, तो ये क्या होते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन। यानी किसी भी एक चीज में स्पेशलाइजेशन, विशेषता हासिल करना, ठीक है, विशेष अध्ययन करना उस चीज के बारे में। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, फील्ड ऑफ स्टडी, किसी भी क्षेत्र का जब हम डीपली अध्ययन करते हैं उसे एकेडमिक डिसिप्लिन कहते हैं। और इसमें क्या है, लर्निंग को सिस्टेमेटिक ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि क्रमबद्धता अध्ययन किया जाता है इसमें। जैसे वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, मैंने क्या बताया कि एकेडमिक डिसिप्लिन का हर एक फील्ड में मतलब जो है मीनिंग अलग अलग होगा। अब वेस्टर्न फिलॉसफी है, वेस्टर्न फिलॉसफी हम सोशियोलॉजी में भी पार्ट है, इसका टॉपिक है, एंड वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, पॉलिटिकल में भी, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में क्या है, वेस्टर्न फिलॉसफी का अलग मीनिंग आएगा। सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है कि समाज के साथ संबंध, समाज के साथ हमने कैसे रहना है, कैसे हमने विचारों का आदान प्रदान करना है, कैसे अपनी फीलिंग्स को शेयर करना है, उसी तरह ही पॉलिटिकल साइंस में क्या हो जाता है, वो राजनीति के अध्ययन से होता है, ठीक है। कोई लीडर बनता है तो लीडर क्या है, अगर उसे समाज के बारे में ही नहीं पता होगा, या समाज में रहना उसे नहीं आता होगा, समाज के साथ बातचीत, मनुष्य के साथ बातचीत करनी नहीं आती होगी, तो क्या है, वो अच्छा लीडर नहीं बन सकता। तो क्या है, वही है फिलॉसफी, टॉपिक वही है वेस्टर्न फिलॉसफी, लेकिन उसके मीनिंग क्या है, हर एक फील्ड में जाकर वो अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। इसमें ज्यादातर हम टेक्निकल वर्ड ही यूज करते हैं, टेक्निकल टर्म यूज करते हैं। जैसे मेडिकल लाइन में क्या है, टेक्निकल वर्ड है सर्जरी, ठीक है। अब सर्जरी क्या है, वो मेडिकल लाइन में हमें पता है कि सर्जरी का मतलब क्या होता है, लेकिन वही है आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं वो एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड टर्म यूज करेंगे कि एजुकेशन में, टीचिंग में क्या क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं, टीचिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन को बेटर कैसे बना सकते हैं, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी लेकर आनी चाहिए, तो पॉलिसीज का अध्ययन वगैरह। अब पॉलिसीज का मतलब क्या होता है, वो पॉलिटिकल से रिलेटेड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि हर एक वर्ड का जो मीनिंग है वो अलग अलग होगा। अब क्या है, हम मोस्टली क्या देखते हैं कि अरस्तु है, प्लेटो है, इनकी डेफिनेशंस हम मैथ्स में भी देखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री वगैरह में भी देखते हैं, सोशियोलॉजी में भी देखते हैं। तो क्या है, जो अरस्तु और प्लेटो है, इन्होंने अध्ययन किस तरह किया, समाजवाद से रिलेटेड, तो समाज में सारी ही चीजें इंक्लूड हो जाती है, कुछ चीजें मैथ्स की होगी, कुछ साइंस की होगी, कुछ सोशियोलॉजी की होगी, कुछ हिस्ट्री की होगी। तो इसी तरह ही इनकी जो डेफिनेशंस है हर एक फील्ड में, उनका जो डेफिनेशंस का तरीका है या जो वर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मैथ्स में मैथ्स के अकॉर्डिंग, साइंस में साइंस के अकॉर्डिंग, एसएस में एसएस के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक डिसिप्लिन। डेफिनेशन देख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू एंथनी बिगलैन ने क्या कहा है, एन एकेडमिक डिसिप्लिन और फील्ड ऑफ स्टडी इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज टॉट एंड रिसर्च एज ए पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन।
दैट मीन्स कि जो हमारा अध्ययन क्षेत्र है वो एक ऐसी फील्ड या एक ऐसी शाखा है अध्ययन की, ज्ञान की, जो हमें दैट इज टॉट यानी कि सिखाती है और हायर एजुकेशन में डीपली इसका अध्ययन किया जाता है, इस पर रिसर्च किया जाता है, नए नए तरीके खोजे जाते हैं, नई नई चीजों का अध्ययन किया जाता है, उनका डीपली नॉलेज ली जाती है कि कहां से हम कौन सी चीज लें। तो ये क्या है कि उच्च शिक्षा के एक भाग के रूप में पढ़ाई जाती है और जिसका अनुसंधान भी किया जाता है। अनुसंधान मीन्स की रिसर्च, ठीक है। एंड सेकेंड डेफिनेशन जो हमारी है अकॉर्डिंग टू ग्लॉसवे, ग्लॉसवे ने क्या कहा है, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और लर्निंग विच इज टॉट और रिसर्च एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल, मीन्स की एकेडमिक डिसिप्लिन क्या है जिसका अध्ययन किया जाता है रिसर्च में के क्षेत्र में यूनिवर्सिटीज और हायर लेवल, ठीक है, हायर लेवल पर। जैसे एमए के बाद कोई बच्चा एमफिल करता है या एमएड करता है तो छोटे लेवल पर क्या है वो अध्ययन करता है किस जिस फील्ड में वो है, एजुकेशन फील्ड में है तो एजुकेशन से रिलेटेड वो एक टॉपिक लेकर उसकी रिसर्च करता है। तो ऐसे ही यूनिवर्सिटी लेवल पर क्या है कि कोई बॉटनी के बारे में अध्ययन करता है उसका टॉपिक लेता है, कोई साइंस का स्टूडेंट है तो बायो का टॉपिक लेता है, केमिस्ट्री का टॉपिक लेता है, मींस के जो सब्जेक्ट है साइंस के वो क्या है पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, फील्ड डिवाइड। जैसे हम कहते हैं ना कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एकेडमिक डिसिप्लिन, ठीक है। बड़ी ही सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रही हूँ, आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उसके बाद हम देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके विशेषता क्या है। फर्स्ट है इसका रिसर्च का विशेष उद्देश्य, ठीक है। तो इसकी एक विशेषता क्या है, वही है कि किसी भी चीज का डीपली अध्ययन करना। इसमें क्या है कि एक पार्टिकुलर टॉपिक लिया जाता है, जैसे पीएचडी लेवल पर लेता है तो उसका एक विशेष उद्देश्य होता है, एक पर्पज होता है कि इस फील्ड में मैंने इस टॉपिक का डीपली अध्ययन करता है। तो पहले से की गई रिसर्च को वो देखता है, उन आधार पर अपने व्यूज को ऐड करता है एंड देन व्यूज को ऐड करने के बाद उसे सिस्टेमेटिकल, उस पर कौन सी हाइपोथेसिस बनेगी, कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा, ठीक है, कौन से वेरिएबल यूज होंगे, लास्ट में उसका कंक्लूजन लेकर आता है। विशेष ज्ञान संग्रह, यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, ज्ञान का एक ये भंडार है कि कितना भी इकट्ठा करते जाओ इसका कोई भी अक्षेत्र सीमित नहीं है, ज्ञान का जो अक्षेत्र है बहुत ही असीमित है। सिद्धांत और अवधारणाएं, इसमें क्या है कि सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं, उनके एजम्पशन यानी कि अवधारणाएं ली जाती हैं, किस चीज का क्या मीनिंग है उसका परफेक्टली तौर पर अध्ययन किया जाता है। विशिष्ट शब्दावली, अब ये तो नहीं है कि टेंथ या छोटे बच्चों की तरह ही हम कोई भी वर्ड यूज कर ले, जिस भी चीज का हम एकेडमिक डिसिप्लिन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं अध्ययन क्षेत्र के बारे में, उसमें क्या है जो वर्ड्स है वो स्पेशलाइज यानी कि टेक्निकल वर्ड यूज होंगे। जैसे हम क्या है सीखना, सीखना को हम क्या कहते हैं लर्निंग, लेकिन जो बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं हम लर्नर, ठीक है। तो जो टेक्निकल वर्ड है वो चीजें यहाँ पर यूज होंगी। रिसर्च मेथड, रिसर्च विधियां, यानी हमने कौन सा डाटा जो है कहाँ से इकट्ठा किया है, कितना सैंपल कहाँ से लिया है, कौन सा टूल इस पर यूज होगा, टूल के अकॉर्डिंग हम रिसर्च को कहाँ तक लेकर जा सकते हैं, उसका जो कंक्लूजन है निष्कर्ष है वो हमारी हाइपोथेसिस से मिलता है या नहीं, सब कुछ टोटली अध्ययन यूनिवर्सिटी लेवल का अध्ययन है ये, ठीक है। क्योंकि जो रिसर्च है, जो अध्ययन क्षेत्र है, एकेडमिक डिसिप्लिन है, इसका मतलब क्या है कि इसमें बहुत सी नई खोजें की जाती है, पुरानी रिसर्च को इंक्लूड करके नए क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना। एंड स्कोप, स्कोप भी वही चीज आती है, क्षेत्र में हम क्या चीज लेंगे कि इसमें अध्ययन विषयों का ज्ञान किया जाता है, जो एक स्पेशलाइज्ड हमारा सब्जेक्ट है, स्पेशलाइज्ड टॉपिक है, उसका हम डीपली अध्ययन करते हैं, उसमें गहन अध्ययन करके उसकी लिमिटेशंस, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण या पुराने क्या विचार थे उसको इंक्लूड करके नए विचारों का अध्ययन करते हैं, नया अध्ययन करते हैं, ठीक है, न्यू नॉलेज लेते हैं। पूर्व निर्देशात्मक, जो पूर्व ज्ञान है उस आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं।
अभ्यास। अब ये तो नहीं है कि कोई मैंने स्पेशलाइज्ड टॉपिक ले लिया, उसको रिसर्च कर रही हूँ तो रिसर्च कैसे करूंगी। अगर मुझे उस चीज के बारे में पहले थोड़ा सा ज्ञान होगा, यानी कि पूर्व मैं पूर्व उनकी रिसर्च देखूंगी, उस बेस पर अपनी व्यूज को ऐड करूंगी, और ऐड करने के लिए क्या है, मैं दिन रात उस चीज को पढ़ूंगी, उसमें नए शब्दों को ढूंढूंगी, अपने वर्ड्स को इंक्लूड करूंगी। यानी ये प्रैक्टिस से ही संभव है। सामाजिक संबद्धता, समाज के साथ रिलेशन, यानी कि कोई भी हम रिसर्च करते हैं, एकेडमिक डिसिप्लिन करते हैं, तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि समाज के साथ संबंध, सोशलाइजेशन को बढ़ावा देना, कि समाज में बच्चा कैसे रहता है, कैसे किसी के साथ बिहेवियर करता है, कैसे किन किन चीजों का इंक्लूड करना चाहिए, कौन सी नेगेटिविटी को दूर करना चाहिए, कौन सी पॉजिटिविटी लेकर आनी चाहिए, समाज की तरक्की हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ। That's all. In last में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जो डिसिप्लिन होता है उसमें जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड होते हैं, लेकिन जो एकेडमिक डिसिप्लिन होता है उसमें क्या है, पार्टिकुलर, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग आ गया, मेडिकल डिपार्टमेंट अलग हो आ गया, ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर स्पेशलाइज चीज पर अध्ययन करना, ठीक है, रिसर्च करना, नई चीजों को खोजना, वही क्या है हमारा एकेडमिक डिसिप्लिन। इसका क्षेत्र बहुत ही ब्रॉड है, हम पुरानी चीजों को लेकर चलते हैं, हर एक वर्ड का जो मीनिंग है अलग अलग फील्ड में अलग अलग ही होगा। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो इसे थम्स अप करना, यानी कि लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल सके, या कोई भी नया टॉपिक अगर आप करना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।